कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार डाउनलोड दी एप नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन माय नेम इज सुमित पटियाल एंड आई एम फ्रॉम हमीरपुर एंड आई एम करेंटली पर्स्यूइंग पीएचडी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन फोर टाइम आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड सेट एग्जामिनेशन एंड अब हम शुरू करेंगे लेकिन uh, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मतलब मेरे साथ थोड़ा uh, जितना हम वार्तालाप करेंगे वार्तालाप कर करते करते सीखेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा मतलब इजी होगा तो आज हम uh, अपना जो पहला सेशन है वो शुरू करने वाले हैं और आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही Uh, हल्का फुल्का जैसा रखेंगे हम और uh, मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी भागीदारी बीच बीच में uh, दर्ज कराते रहें चलिए तो जैसे कि हम सबसे पहले बेसिक करने वाले हैं कुछ एक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि टूरिज्म में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज जो हमारे को बेसिक हमारे को आने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स ये टर्मिनोलॉजी सबके माइंड में होनी चाहिए ठीक है आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा एक एक चीज आपको बताई जाएगी बहुत डेफ्थ में भी जाएंगे लेकिन हमारे को सिर्फ जैसे हमारे को ना कभी भी कोई एग्जामिनेशन निकालना है तो हमें कभी भी उसका मतलब पूरी थ्योरी याद करके नहीं जाना होता है हमारे को सिर्फ क्रक्स उसका जान जानना है कि उसमें मेन बताया क्या गया है चीज क्या है मेन हमारे को हर एक डेफिनेशन में एक आदि की टर्म होगी वो हम याद रखेंगे उसके अलावा हमारे को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है नेट के एग्जाम में सिर्फ उतना ही जरूरी है आप चीजों को समझो समझना सब कुछ है याद रखना है वो सिर्फ जरूरी चीज है और जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में वही जरूरी चीज हमारे को वहां पर ढूंढनी होती है हमारे को पूरी की पूरी वो डेफिनेशन दिखेंगे और वो सब कुछ करने लगे इतना टाइम तो होता ही नहीं है हमारे पास ठीक है तो हमारे को क्या करना है कि हमारे को सिर्फ जो एक डेफिनेशन है उसको उसके जो है मेन पॉइंट्स है बस वही हमारे को देखने हैं हर एक एग्जाम क्रैक करने का सबसे पहला फॉर्मूला यही होता है सब कुछ याद मत रखो आप सब कुछ पढ़ ही नहीं सकते हो हमारा टूरिज्म का सिलेबस भी इतना ज्यादा वास्ट है आप सब कुछ याद नहीं रख पाओगे लेकिन हमारे को मेन मेन चीजें याद रखनी है और उसी में आपका जो है वो नेट जी आर एफ इजिली हो जाएगा ठीक है थोड़ा समझ आ रहा है तो सबसे पहले जो है हम बेसिक टूरिज्म क्या होता है वट इज पर्यटन तो पर्यटन क्या होता है कि सबसे पहले तो चलो पहले इसको समझ लेते हैं कि पर्यटन असल में होता क्या है आ, ये एक डेस्टिनेशन है ये एक डेस्टिनेशन है आप यहां से गए इस डेस्टिनेशन पे आप सब मास्टर्स करके आए वैसे आपको आ, ये तो बहुत ही बेसिक होगा लेकिन चलो फिर भी स्टार्ट करने के लिए आप इस जगह से दूसरी जगह तक गए ठीक है आपने बीच में ट्रांसपोर्टेशन यूज किया ठीक है आपने यहाँ पे एम्यूनिटीज यूज करी ठीक है फिर आप वापिस भी आए बीच में और फूड एंड बेवरेजेस से लेके जो भी आपने सर्विसेज अट्रैक्शन वगैरह जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपने करके और फिर आप वापिस आए तो ये क्या हुआ ये हमारा एक प्रकार से घूमना फिरना हुआ ठीक है घूमना फिरना लेकिन अब हमें जो है ये चीजें जाननी है तो हमारे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाननी है क्योंकि डेफिनेशन है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है और वही हमारे लिए ज्यादा काम भी आएगी तो हमने जो डेफिनेशन है ये एज पर यू एनडबीओ अभी हम यू एनडबीओ भी देखेंगे यू एनडबू टी ओ क्या है ठीक है लेकिन जो भी टर्म बीच में आती रहती है उस टर्म से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए उस तो वो टर्म आपको टिफ पे होनी चाहिए ठीक है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सबको पता होगा वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और ये बनी थी 1975 में ठीक है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है मेड्रिड मेड्रिड कहां पे है स्पेन में ठीक है ये है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं लेकिन आजकल जो क्वेश्चन हैं वो बहुत डीप में पूछे जाते हैं आगे अब आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनटीए वाले ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ जी यू एनडब्ल्यू टीओ वाले ने कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो निकाल के रखी है पिछले एक सालों में आपको ऑप्शन दे दी जाएगी कि ये ये स्कीम्स है इनमें से दो तीन छांट के फिर ए बी सी करके बोथ ए एंड बी एस एस करके जो है वो आता है ऑप्शन में ठीक है तो आपको वो भी पता होना चाहिए लेकिन वो चलो बाद की बातें हम सारी स्कीम्स वगैरह भी पढ़ेंगे ठीक है और इसका जो मेन इसमें जो मेन बंदा है ना जो सीईओ है इनका वो है जुराब पोलो लो काशीवली स्पेलिंग देख लेना कुछ ऐसे ऐसे ही है ठीक है जुराब से याद रख लेना <laughs> ज्यादा इजी हो जाएगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है जोरापोल काशी वाली इसका मेन बंदा है ठीक है और जो ये 1975 में बनी थी मेड्रिड स्पेन इसका हेडक्वार्टर है ये आपको पता होना चाहिए तो जो हम जितनी भी डेफिनेशन लेके चलते हैं वो बेसिकली जो यू एनडबीओ ने दिए हैं उसी को लेके हम चलते हैं तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि टूरिज्म कॉम्प्राइजेस एक्टिविटीज है ऑफ द पर्सन ट्रेवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेसिस आउटसाइड देयर यूज इन्वायरमेंट फॉर नॉट मोर देन वन कंजर्केटिव ईयर ठीक है एक साल से ऊपर नहीं जाना है और नॉट लेस देन ट्वेंटी फोर आवर्स और ट्वेंटी फोर आवर्स से ऊपर इससे ऊपर और इससे नीचे इससे ऊपर इससे नीचे ठीक है तो ये हुआ हमारा टूरिज्म और जो टूरिज्म कर रहा है उसको टूरिस्ट बोलेंगे एज सिंपल एज दैट ठीक है अब इसमें जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं वो हम देखेंगे देखो इसमें सबसे पहले है एक तो हम इसमें क्या क्या बताया एक तो टाइम बताया ठीक है हमें हर एक डेफिनेशन का क्रक्स निकालना है मेन पॉइंट क्या है पूरी डेफिनेशन हमारे को नहीं रटनी है ठीक है सबसे पहले हमारे को दिया है टाइम टाइम है 24 घंटे से ऊपर 24 आवर से ऊपर और 365 डेज और वन ईयर से नीचे 365 366 जो भी आप लगा के चलो ठीक है और इसमें दिया है कि एक तो अपने यूजुअल प्लेस ऑफ एनवायरमेंट से बाहर जा रहा है ठीक है एंड फॉर लेजर बिजनेस एंड अदर पर्पज ठीक है या तो लेजर करने के लिए बिजनेस करने के लिए जा रहा है या किसी और पर्पज के लिए ये बाहर जा रहा है ठीक है अभी तक इतना समझ आया ओके, 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 ठीक है उसके बाद है अब देखो इसमें एक शब्द आया लेजर ये देखिए इसमें है लेजर लेजर क्या होता है ठीक है तो लेजर और रिक्रिएशन दो वर्ड हैं एक तो है लेजर और दूसरा है रिक्रिएशन देखिए लेजर का मतलब होता है आपके पास फ्री टाइम ठीक है अब लेजर जो मेन शब्द है वो कहां से आया ये भी मतलब एक इंटरेस्टिंग जैसा ही है कि एक वेस्टिंग हाउस सोसाइटी करके एक था कॉरपोरेशन वेस्टिंग हाउस कॉरपोरेशन ठीक है 1913 में इन्होंने क्या किया वेस्टिंग हाउस कॉरपोरेशन 1913 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ्री के जो हॉलीडेज है ना पेड पेड देना शुरू नोट्स बनाते रहना साथ साथ में ये सारी चीजें आपके काम आएगी कहीं ना कहीं ठीक है कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो हमने लिखी नहीं होती है बट स्टिल वो एकदम जहन में क्लिक कर जाती है तो वो साथ में बता दी जाती है तो आप वो भी देख लेना ठीक है तो वेस्टिंग हाउस कॉरपोरेशन 1913 में इन्होंने जो पेड हॉलीडेज शुरू किया जब पेड हॉलीडेज हो गए पहले क्या था कि वर्क कल्चर इस, इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई एटीन सेंचुरी में उसके बाद क्या हुआ कि जो आ, मतलब जो आ, जब हम ये करते थे बिजनेस करते थे ठीक है तो उसमें लोगों के लिए टाइम नहीं होता था तो जब उनके पास टाइम ही नहीं है तो वो घूमेंगे कहाँ पे ठीक है तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो पेड हॉलीडे शुरू कर दिए जब पेड हॉलीडे शुरू हो गए तो उन लोगों को पता है कि जो पैसे तो आने ही आने हैं तो उनके पास वो फ्री टाइम हो गया नहीं तो उस फ्री टाइम को वो कहीं ना कहीं और पैसे के लिए यूटिलाइज कर लेते है ना उनको काम करना पड़ता लेकिन अब पेड हॉलीडेज है तो उनके पास वो फ्री टाइम हो गया तो वही फ्री टाइम ठीक है स्पेयर टाइम जो हमारे पास होता है रेस्ट टाइम लेकिन कब के बाद लेकिन कब के बाद इज नॉट अकुपाइड वर्क स्टडीज एंड स्लीप जब हम अपना काम कर बैठते हैं स्टडीज कर बैठते हैं स्लीप वगैरह कर बैठते हैं उसके बाद से जो हमारे पास स्पेयर टाइम होता है ठीक है वो जो है हमारा लेजर टाइम हमारा गिना जाता है ठीक है थोड़ा समझ आ रहा है उसके बाद है रिक्रिएशन देखिए रिक्रिएशन री क्रिएट दोनों शब्द हैं रिक्रिएट री और क्रिएट री मतलब फिर से और क्रिएट मतलब बनाना ठीक है फिर से बनाना लेकिन क्या बनाना फिर से क्या होता है कि हम जब अपने डेली के जो डेली हमारा काम चल रहा है उससे जब हम बहुत ज्यादा बर्डन जरा जरा महसूस करने जाते हैं थोड़े थार्जिक हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं रिक्रिएशन करते हैं हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमारे को प्लेजर दे जो हमारे को फन दे यानी जो लेजर टाइम है हम जो भी एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसको हम रिक्रिएशन बोलते हैं अब देखो यहां पे एग्जाम्पल दिया है वेल सम पीपल जस्ट टेक रेस्ट स्लीप वॉच टीवी और प्ले वीडियो गेम्स ऑन कंप्यूटर इन लेज़र टाइम दे आर देर आर मेनी हु लाइक टू गो आउट फॉर रिक्रिएशन एंड इंडल्ज इन एक्टिविटीज लाइक साइकिलिंग हाइकिंग सेलिंग सर्फिंग स्विमिंग फिशिंग एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है रिक्रिएशन इज डूइंग एक्टिविटीज दैट रिचार्ज जैसे मैंने कहा Recreate वैसे ही रिचार्ज और फ्रेशन अप इन वंस लेजर टाइम विच हैव नो मॉनेटरी बेनिफिट्स ठीक है मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होना चाहिए ये आपकी की टर्म रहेगी इसमें कि रिक्रिएशन तो हम करते हैं लेकिन ऐसे नहीं करते कि जिसमें हमारे को कुछ ना कुछ जिसमें हमारे को कुछ ना कुछ पैसे वगैरह मिले ठीक है तो मॉनेटरी बेनिफिट इसका नहीं होता है कोई भी हम कोई भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज करते हैं बहुत सी रिक्रिएशन एक्टिविटीज आजकल जो है वो है जैसे कि बहुत सारे तो यहाँ पे दिए हुए हैं साइकिलिंग कर लेते हैं जी हाइकिंग कर लेते हैं सेलिंग कर लेते हैं सर्फिंग कर लेते हैं स्विमिंग कर लेते हैं फिशिंग कर भी करते हैं कुछ एक लोग ठीक है हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं वो भी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है फिर हम स्नोकलिंग करते हैं ठीक है हम कह रहे थे कि जैसे स्नोकलिंग होता है अब स्नोकलिंग भी शब्द जो है ना ठीक है और स्कूबा ठीक है अब ये ना आपको जो शब्द है ना इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे स्कूबा होता है ठीक है स्कूबा एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है ठीक है वैसे पता है आपको स्नोकलिंग स्कूबा क्या होता है अगर आपको नहीं पता होगा स्नोकलिंग देखो स्कूबा होता है सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग ऑपरेटस ठीक है और स्नोकलिंग में क्या करते हैं स्नोकल करते हैं स्नोकल मतलब आपके मुंह पे ना कुछ लगा दिया जाएगा ठीक है और आप जो है मतलब एक सतह पर ही जैसे ये पानी है मान लीजिए ये पानी है ठीक है ये पानी की सतह है अब आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ यहाँ सतह पे ही जब आप तैर रहे हो लेकिन मतलब थोड़ा सा आपका जो मुंह है वो पानी के नीचे है ठीक है थोड़ा सा ही नीचे है लेकिन आपका जो है ना इधर से एक पाइप वगैरह अगर आपने कार्टून वगैरह देखते हो तो ऐसे पाइप जैसे बाहर निकली होती है और उसको हम स्नौकल बोलते हैं ठीक है तो आप सतह के ऊपर ही तैर रहे होते हो और आप सांस भी ले रहे होते हो ज्यादा आप डीप इसमें नहीं जाते हो लेकिन वहीं पे जो स्कूपर होता है उसमें आपके साथ जो है वो अः क्या होता है कि अः आपका ऑक्सीजन वगैरह ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह वो सब कुछ आपके साथ आ जाते हैं पूरे पूरा आपको मतलब किट पहना दी जाती है और उसके बाद आप जो है वो डाइव करते हो और आप अंडर वाटर जितनी भी लाइफ है या रिसर्च वगैरह है वो आप करने जाते हो तो स्कूबा और स्नोकलिंग के बीच में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्कूबा क्या होता है और स्नोकलिंग क्या होता है अभी तक समझ आ रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसकी जो जो मतलब मैंने आपको वो बताई ना ठीक है तो इसका आपको पता होना चाहिए सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीदिंग ऑपरेटर्स सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीदिंग ऑपरेटर्स ठीक है आप सर्च भी कर सकते हो इसको ठीक है अभी तक समझ आ रहा है ठीक है तो ये है और चलो ये बात कर रहे थे हम स्नॉकलिंग होता है स्कूबा होता है ये सारी एक्टिविटीज जैसे स्कूबा है स्कूबा आजकल द्वारका है द्वारका आपने नगरी द्वारका द्वारका में जो है हम स्कूबा डाइविंग करते हैं वहां पे देखते हैं कि कृष्ण नगरी कैसी थी ठीक है द्वारका नगरी कैसी थी स्नोकलिंग है स्नोकलिंग हम करते हैं बेसिकली जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है ग्रेट बैरियर रीफ ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है ज्यादा डीप तो नहीं जा रहे हैं ठीक है ग्रेट बैरियर रीफ है सबसे बड़ी बैरियर रीफ है ये ठीक है और ये जो है ये है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में कहा है ये आप कल पता करके लाएंगे ठीक है सिडनी मेलबोर्न या जो भी वहां की सिटीज है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ए एक बार नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिडनी मेलबोर्न फिर आ, आ, क्या था एक और थी कोई विक्टोरिया या कौन सी एक जगह है ऐसे करके चार आ, जगह बताई गई थी ठीक है कौन सी नॉर्थ में पड़ती है कौन सी ईस्ट में पड़ती है ठीक है और कौन सी जो है वो अ वेस्ट में पड़ती है ठीक है ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो आप ये भी ध्यान में रख लेना ठीक है इतना डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं नेट में तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ये पता होना चाहिए ग्रेट बैरियर रीफ से क्वेश्चन आ चुका है कि ये कहां पे है और ये सबसे बड़ी है है ना ये देख लेना चलिए आगे है जो सबसे अब है कि पर्सन एजेंट रिस्पॉन्सि रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेवल रिलेटेड टास्क अब हम क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम जाते हैं ठीक है तो अब कुछ ना कुछ तो मतलब कोई ना कोई तो लोग आएंगे जो हमारे को वहां पे हेल्प करेंगे तो अब जैसे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है ठीक है पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कौन देखो हमारे को मेन मेन पढ़ने हैं जिसके पूछने के चांसेस ज्यादा है ऐसे बहुत सारे होते हैं ठीक है हमारे को सब सारा सारों से लेना देना नहीं है हमारे को सिर्फ जो जरूरी है ठीक है बहुत ज्यादा सिलेबस है हमारे को मेन मेन चीजें पढ़नी है हमारे को पेपर क्रैक करना है हमारे को मतलब बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है नॉलेज हाँ, है नॉलेज इसमें से भी आपको हो जाएगी ठीक है और ये है कि पासपोर्ट जो है आपका पासपोर्ट जो है वो कौन इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये आपको पता होना चाहिए पासपोर्ट को कौन इशू करता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही जारी करती है और इसके मिनिस्टर कौन है ये आपको पता होना चाहिए ये आप सर्च करेंगे खुद ब खुद ठीक है विसा वीजा, वीजा इंडोर्समेंट ठीक है आ, वीजा ठीक है पासपोर्ट और वीजा के बीच में वैसे डिफरेंस पता है आप लोगों को पासपोर्ट वीजा पता है लेट मी चेक इन चैट इफ यू पीपल नो अबाउट इट और नॉट अच्छा तो पता है पासपोर्ट और वीजा के बीच में थोड़ा डिफरेंस ओके ठीक है तो मैं देख पा रहा हूं अंशिमा और जतिन दे बोथ न्यू द आंसर पासपोर्ट और वीजा के बीच में डिफरेंस क्या होता है ठीक है अब दो लोग हैं उनको तो पता है तो ज़रा आ रही लाइक परमिट Attached with password. हम बहुत ही बेसिक इसमें समझेंगे पासपोर्ट और विजा के बीच में आ, डिफरेंस ठीक है पासपोर्ट इज लाइक योर आइडेंटिटी ठीक है एक आपको ऐसा एक भारत सरकार द्वारा एक ऐसा पन्ना दे दिया जाएगा एक ऐसी बुकलेट दे दी जाएगी जिसमें जो है वो आपको ऑथराइज कर रहे हैं कि आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा सकते हैं कुछ समझ आया ठीक है अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा सकते हैं दैट इज लाइक पासपोर्ट वेयर इज वीजा वीजा की डेफिनेशन पता है वीजा हमेशा हम वीजा ऐसे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं क्यों लिखते हैं वी जा क्यों लिखते हैं इज नॉट डेविड वीजा As I know, visa is a परमिशन फ्रॉम अदर कंट्री टू विज very good. Okay, जो लेट ज्वाइन करे हैं उनके लिए हम last जैसे कर लेंगे ठीक है Okay, अब हम बात कर रहे हैं passport. ठीक है Passport क्या होता है कि हमारी country है ठीक है हमार को अगर बाहर जाना है visitor international stay admission. कुछ ज्यादा ही तुक्का जैसा लग रहा है स्टिल वेल ट्राइड ठीक है वीजा की फुल फॉर्म होती है विजिट क्या हो गया ये ठीक है विजिटर्स इंटेंडेड स्टे अब्रॉड कल होमवर्क करके आना ठीक है होमवर्क इन द सेंस कि जो जो चीज मैं बताया बताता हूँ ना बीच बीच में ठीक है कि ये पता करके लाना वो पता करके लाना वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है वो एक बार पढ़ के आना हम हायर एजुकेशन में ठीक है यहाँ पे ऐसे तो नहीं चलेगा जैसे मास्टर जी ने ये बता दिया ठीक है तो मास्टर जी कल पूछेंगे नहीं तो डांटेंगे ऐसा नहीं चलेगा बट स्टिल जो मैं बताया जाता हूँ आपको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन उसकी जरूर करनी है हम नॉलेज बढ़ाने के लिए तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करें ठीक है विजिटर्स इंटेंडेड स्टे विजिटर्स इंटेंडेड स्टे अब्रॉड ठीक है आज तक ये डेफिनेशन ये जो है ये कभी पूछी नहीं गई है और होपफुली आगे भी नहीं पूछी जाएगी ठीक है बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए जस्ट फॉर योर नॉलेज पासपोर्ट और वीजा वीजा ठीक है वीजा जैसे कि आशिमा जी ने बताया अंशिमा राइट ठीक है उन्होंने बताया कि वीजा होता है कि दूसरी कंट्री वालों ने आपको जो है वो ऑथराइजेशन कर दी ठीक है आपको अप्रूव कर दिया कि ठीक है जी आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं तो कुछ ना कुछ पहले चेक करेंगे पहले पूरे आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी तब जाके वो आपको जो है वीजा देते हैं एक ऐसा मतलब पन्ना दे देते हैं ठीक है एक ऐसा पेज दे देते हैं कैसा ऐसा शिप दे देते हैं ठीक है कि जिसमें लिखा होता है कि हाँ जी ठीक है आप हमारे पास आ सकते हो ठीक है उसके बाद है वीजा का होगा इसको जो इशू करते हैं वो होता है कॉन्सुलेट कॉन्सुलेट को हिंदी में बोलते हैं हम दूतावास यहाँ पे दूत रहते हैं ठीक है तो जो वीजा करता है वो दूतावास करता है दूसरे दूसरे कंट्री के जो है वो दूत होते हैं दूसरी कंट्री में ठीक है वो जो है ये सब कुछ इशू करते हैं ऐसा नहीं कि दूसरी कंट्री में जाएगा फिर वहां से बट दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वही दूसरी कंट्री में बैठे होते हैं अपनी कंट्री में बैठे होते हैं और वही जो है वो वीजा आपको प्रोवाइड करा देते हैं थोड़ा समझ आ रहा है ठीक है एक मिनट में मैं चैट देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना ठीक है उसके बाद है स्क्रीन बैगेज ठीक है जो आपकी बैगेज है उसकी बैगेज होता है लगेज होता है जो कुछ भी होता है ठीक है इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे कि कितना, हमारे पास कितनी होती है, कितना बैकेज हम जो पच्चीस पच्चीस किलो तीस तीस किलो तक भी आपको अलाउ कर देती है ठीक है इसकी भी लिस्ट हम बाद में बनाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी एयरलाइंस हैं ठीक है थीके? ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया क्योंकि हर एक जो एयरलाइन है कंट्री की एयरलाइन है उसमें अलग अलग सिस्टम रहता है तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा डायनामिक है कि एन टी क्वेश्चन को वैसे पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से लेकिन कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि क्या क्या अलाउड है इनमें से कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है ठीक है वो चलो बाद की बातें हैं वो आपके सिलेबस में भी हैं वो हम बाद में कर लेंगे तो जो स्क्रीनिंग करता है वो कौन करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कोई बता सकता है ए ए आई कब बनी थी कब बनी थी ए ए आई आई एम लुकिंग फॉर ओ यार आई एम लुकिंग फॉर आंसर प्लीज टेल वेरी गुड ओके ठीक है नाइनटीन नाइनटी फाइव में ए ए आई बनी थी ठीक है तो ये पता होना चाहिए एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये कब बनी थी कौन से एक्ट के थ्रू बनी थी यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए उसके बाद है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इस आज तक ये क्वेश्चन कभी बनानी बना नहीं है लेकिन जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ठीक है ये आपको ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा ठीक है गेट पासपोर्ट चेक पासपोर्ट कौन चेक करता है इमिग्रेशन ऑफिसर करता है फूड सर्विस ऑन बोर्ड फ्लाइट कैटरर्स ठीक है फ्लाइट के अंदर जो कैटरर्स होते हैं उन्हीं का काम होता है आपको फूड सर्विस भी प्रोवाइड करना ठीक है और जो आपको जो आपको है वो सीट बताते हैं ऑन बोर्ड उनको आप पता है उनको क्या कहते हैं जो आपको सीट्स वगैरह दिखाते हैं हमारी भाषा में उसको एयर होस्टेस बोलते हैं ठीक है <laughs> एयर होस्टेस वगैरह ही आपको जो है वो सीट दिखाती है आप यहाँ पे बैठ हो जाके ठीक है अराइवल एट होटल होटल डोरमैन होता है ठीक है ये आपसे पूछा जा सकता है तो ये भी आप देख लीजिएगा क्रू मेंबर्स ठीक है ठीक है ओके okay. उसके बाद है पोर्टर देख लेना ठीक है ये पता होना चाहिए और भी ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम अभी पढ़ेंगे आगे आते-आते पढ़ेंगे ठीक है ओके चलिए जो लेट ज्वाइन किए थे पहले उनके लिए एक मिनट यार इसका क्या चक्कर है ठीक है उनके लिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं ठीक है वट इज टूरिज्म टूरिज्म हमने पढ़ा था कि जो 24 घंटे से ऊपर और एक साल से नीचे जब हम कहीं पे स्टे करते हैं तो उसको हम टूरिज्म कहते हैं वो टूरिज्म की कैटेगरी में आता है ठीक है लेजर बिजनेस एंड अदर के लिए ठीक है कई बार इसमें ऐसा भी लिखा होता है रिम्यून्यूरेशन पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन बिजनेस टूरिस्ट भी होते हैं और भी होता है बिजनेस टूरिस्ट आपको पता होगा माइस एम आई माइसी डू वी नो अबाउट इट पता है माइस यस ठीक है अगर आपको पता है तो यस बोलने से ज्यादा बेटर होगा कि आप आंसर ही कर दो ठीक है डायरेक्ट आंसर मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसिंग ठीक है एग्जीबिशन एग्जेक्यूटिव नहीं यार एग्जीबिशन ठीक है ठीक है तो माइस जो वर्ड है ना ये बहुत ज्यादा आपको तंग करेगा आगे भी अगर रिसर्च भी करेंगे तो ये आपके आने ही वाला है रिसर्च में भी ठीक है ये ऐसा वर्ड है क्योंकि इंडिया जो है वो एक आ, ऐसी मार्केट है जो अभी फ्लरिश कर रही है ठीक है माइस के मामले में और इंडिया जो है वो ऐसी मार्केट है जो आगे चल के माइस में बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली है ठीक है अभी भी हमारे जो है वो बहुत सी ऐसी जगह बन रही है अभी मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया कॉन्फ्रेंस हॉल का ठीक है तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद हमने डिफरेंस किया कि लेजर और रिक्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है ठीक है लेजर का मतलब सीधा एक वर्ड में आपके पास फ्री टाइम ठीक है जो आपका सारा काम कर कर आके जो आपके पास फ्री टाइम बचता है वो आपका लेजर हुआ बचा रिक्रिएशन रिक्रिएशन मतलब रिक्रिएट खुद को रिक्रिएट करना फिर से खुद को बनाना यानी हम ऐसी फन एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हमारा मन जो है जो डेली की जो एक्टिविटीज होती है उससे हटकर हम हमारा मन जो है थोड़ा सा मतलब हम थोड़ा रिक्रिएट फील करते हैं खुद को थोड़ा सा हम प्लेजर में फील करते हैं खुद को ठीक है और इसमें एक चीज याद रखना नो मॉनेटरी बेनिफिट्स ठीक है जो लेट ज्वाइन करे हैं उनके लिए ठीक है नो मॉनेटरी बेनिफिट्स जो रिक्रिएशन है वो किया जाता है हम एक्टिविटीज करते हैं वो अपने फन के लिए करते हैं ठीक है अपने मजे के लिए करते हैं और उसका कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए हमारे पैसे का लेन मतलब पैसे का लेन देन तो होता है मतलब खुद के लिए हम कमाने का कोई वो नहीं होता उसमें ठीक है थीके? उसके बाद पर्सन एंड एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेवल रिलेटेड टास्क जो पासपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको इश्यू करती है फिर वीजा एंडोर्समेंट कौन करता है कॉन्सुलेट दूतावास ठीक है फिर है स्क्रीन बैगेज ए ए आई एंड सी आई एस एफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ठीक है और बात बीच में हमने वो पढ़ा स्नॉकलिंग और स्कूबा वगैरह वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है और भी ऐसे बीच बीच में जो वर्ड आते रहेंगे वो हम साथ साथ में क्लियर करते रहेंगे ठीक है उसके बाद है गेट पासपोर्ट चेक कौन करता है इमिग्रेशन ऑफिसर करता है फिर है फूड सर्विस ऑन बोर्ड फ्लाइट कैटरर्स ठीक है अराइवल एट होटल होटल डोरमेन और उसके बाद आया एस्कोटिंग टू रूम एंड कैरिंग बैग पोर्टर ठीक है अभी अब हमारे पास छह मिनट है हम एक स्लाइड और कर सकते हैं उसके बाद है वेरियस टूरिज्म डेफिनेशन आस्ट इन नेट एग्जाम ठीक है ये या तो नेट के एग्जाम में पूछी जा चुके हैं या तो ये पूछी जा सकती हैं ठीक है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको ये जो डेफिनेशन है ये जो डेफिनेशन है ये लिख दी जाएगी और नीचे जो है वो बता आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जी ये वाली डेफिनेशन किसने दिया है लीग ऑफ नेशन यू एनडब्ल्यू डी ओ जफारी या फिर यूएन स्टेटिस्टिकल कमीशन या तो फिर कोई और एजेंसी इस तरह से ठीक है तो हमें जो है वो मतलब सारी तो याद नहीं करनी है बट स्टिल हमारे को मेन मेन पता होनी चाहिए जैसे ये है लीग ऑफ नेशन अगर आपको पता हो यूनाइटेड नेशन का नाम उससे पहले जो हुआ करता था वो लीग ऑफ नेशन हुआ करता था ठीक है वर्ल्ड वॉर टू से पहले ठीक है उन्नीस से पहले देखो अगर बहुत ऐसे लोग होंगे यहां भी जिनको याद ही नहीं होती है डेट्स याद नहीं होती है ठीक है अगर आपको रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है वो रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जा सकती है ठीक है सबसे पहले कि मेन मेन जो घटनाएं घटी है, है ना वर्ल्ड में वो याद कर लो ठीक है कुछ तो याद करना ही पड़ेगा ठीक है लेकिन इतनी सारी जो डेट्स हैं वो सब तो याद नहीं रख सकते हैं लेकिन जो हम हैं जो मेन मेन आपकी जो डेट्स हैं इवेंट्स हैं उनको हम याद रख सकते हैं ठीक है वो आपको याद रखने हैं जैसे वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू ये तो हो गया एक जो उन्नीस सौ इसका हुआ उसके बाद भी आपको भी बहुत सी ऐसी डेट्स आएंगी जैसे अठारह सो इकतालीस एक डेट आएगी वो एक याद हो याद कर लेना ठीक है 1820 एक डेट आएगी ठीक है अठारह सो इकसठ में क्या हुआ था याद है किसी को बक्सर का युद्ध हुआ था ठीक है फिर नहीं सतारह सो इकसठ में हुआ था ठीक है ये देख लेना सतारह सो सत्तावन में क्या हुआ था ठीक है पहली लड़ाई हुई थी ये कुछ ऐसी डेट्स है ना जो आपको याद हो जानी चाहिए ऐसे ही ठीक है फिर क्या करना होता है फिर जो और डेट्स आती है ना उनको जो है उनके साथ आप कनेक्ट कर लो ठीक है कनेक्ट कैसे करेंगे कि जैसे लीग ऑफ नेशन है लीग ऑफ नेशन उन्नीस लिखा है उन्नीस अब उन्नीस में प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया था तो अब अब उसके इसके साथ में जो है वो मिलता जुलता है तो यहां से जो आपको बस ऐसे एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद रहेगी लेकिन आपको ये रहेगा कि वर्ल्ड वॉर टू के आसपास कभी हुए थे तो जब आप ऑप्शन देखे हुए ठीक है तो लीग ऑफ नेशन ने क्या बोला टर्म टूरिस्ट शेल इन प्रिंसिपल बी इंटरप्रेटेड टू मीन एनी पर्सन ट्रेवलिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 24 फोर आवर्स और मोर इन कंट्री अदर देन इन विच ही रिसाइड्स ठीक है इन्होंने क्या डेफिनेशन दी इन्होंने 24 घंटे से ऊपर बताया लेकिन इन्होंने साल का कुछ नहीं बताया कि साल से ज्यादा जाना चाहिए कम जाना चाहिए इन्होंने कुछ नहीं बताया इन्होंने सिर्फ ये बताया कि 24 घंटे से ऊपर ही जाना चाहिए और अपनी कंट्री से और इन्होंने कंट्री की बात करी है जगह की बात नहीं करी है इन्होंने कंट्री की बात करी है कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा रहा है और वहां पर रह रहा है चौबीस घंटे से ऊपर ठीक है सॉरी उसके बाद है जफारी जफारी भी थे एक रिसर्चर्स थे रिसर्चर थे उन्होंने जो 1970 में 1975 में बनी थी ना यू एनडब्ल्यू ओ तो उन्नीस सौ में इन्होंने जफारी ने ये दे दी एक डेफिनेशन दे दी इन्होंने क्या बताया द स्टडी ऑफ मैन अवे फ्रॉम हिज यूजुअल हैबिटेड मतलब जहां पे वो रह रहा है ऑफ द इंडस्ट्री विच इज टू हिज नीड्स अब क्या करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं ठीक है तो जो जिस जगह पे हम जा रहे हैं जिस बी डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं तो वहां के लोग क्या करेंगे हमारे को कि वहां पे हमारे को खाना पीना रहना सब कुछ देंगे वहां पे हमारी हॉस्पिटैलिटी की जाएगी ठीक है तो जो हॉस्पिटैलिटी है ठीक है जो हमारे यहाँ पे हो रही है ठीक है तो वो जो नीड्स को हमारा पूरा किया जाता है ठीक है ये इसने बताया और साथ में ये भी बोला इन्होंने कि इम्पेक्ट होता है जो एक टूरिस्ट जा रहा है एक टूरिस्ट है टूरिस्ट का होस्ट के ऊपर और होस्ट का टूरिस्ट के ऊपर एक जो है वो सोशल कल्चर इकोनॉमिकल और फिजिकल जो है वो एक इम्पेक्ट पड़ता है ठीक है तो इसको हम जो बोलते हैं हम टूरिज्म बोलते हैं इस तरह से इन्होंने जो है टूरिज्म को डिफाइन किया और बाकी जो यू एनडब्ल्यू टी ओ की डेफिनेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट एक्सेप्टेड है वो हमने पहले से ही पढ़ ली हुई है ठीक है जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें अगर कोई भी आ रहा है इफ नॉट

मॉक टेस्ट को अटेंड करेंगे और ये जो वीडियो है ये आ, विदिन हाफ है नार, आ, आपके कोर्स में आपको दिख जाएगा जाएगा रिकॉर्ड होके अपलोड हो ओके ओके देन थैंक हमारी फर्स्ट क्लास थी हमारे सेकंड बैच की और ऐसे ही गाइस आपके दस के दस यूनिट्स का पूरा सिलेबस जो है टूरिज्म का वो खत्म किया जाएगा ऑल राइट right, ये हमारे डेमो क्लास थी गाइज इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो वहां से जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग